हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सैम। सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक स्क्रबर का। सो जी हाँ, ये है लोटस का स्क्रबर। सो लोटस के प्रोडक्ट आप लोग जानते ही हैं, काफी मार्केट में अवेलेबल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्रीम्स भी अवेलेबल है। तो ये है एक स्क्रबर। तो ये लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो, जिसमें यूज किया गया है ओटमील एंड योगर्ट स्किन व्हाइटनिंग स्क्रबर है ये। सो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं स्क्रबर के बारे में तो बने रहेगा मेरी वीडियो पर। और अगर आप विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकेंगी। तो अब मैं बात करती हूँ इस स्क्रबर की, तो इसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं, इसको कैसे यूज करना है और ये कितना यूजफुल है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, ये है लोटस का व्हाइट ग्लो स्क्रबर। इसमें ओट्स का यूज किया गया है प्लस योगर्ट का। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि ओट्स का मैंने अभी पहले भी एक वीडियो बनाया है, जो मैंने होममेड स्किन मास्क बनाया था, आप अभी जाके मेरी वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। तो इस स्क्रबर में भी इसको यूज किया गया है। सेकेंड, इसमें यूज किया गया है योगर्ट। तो गाइज, योगर्ट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन की सारी गंदगी क्लीन करता है, हमारी स्किन को नरिशिंग करता है और हमारी स्किन को क्रिस्टल क्लियर करता है। तो स्क्रबर करना बहुत जरूरी है हमारी स्किन को। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे स्क्रबर नहीं करते हैं तो स्किन डल पड़ने लगती है। तो गाइज, जब भी स्क्रब करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मुझे ये काफी सही लगा, जैसे आप स्क्रब करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं लोटस के प्रोडक्ट। तो गाइज, ये जो स्क्रबर है तो जो हमारी स्किन को ब्राइटर करता है और हेल्दी करता है। तो जैसे कि कंपनी बोल रही है, बताया हुआ इसके बारे में कि ओटमील और योगर्ट स्किन जो होता है व्हाइटनिंग स्क्रब है ये। एक्सफोलिएट्स हैं इसके अंदर, जो स्किन को जेंटली रिमूव करते हैं डर्ट को, इम्प्योरिटीज को, ब्लैक हेड्स को हटाते हैं जब आप स्क्रबर करते हैं, एंड व्हाइट हेड्स को भी आपकी स्किन से हटाते हैं, आपकी स्किन को ब्राइटर बनाते हैं और शाइनिंग देते हैं प्लस ग्लो देते हैं। तो स्क्रब को यूज करने के बाद आपकी जो डेड स्किन होती है वो निकली जाती है, तो आपकी स्किन जो है ग्लो करती है। और इसे बताया गया ये आपकी स्किन डल स्किन को जो होता है अन ईवन स्किन टोन को ठीक करता है। अन ईवन कुछ लोगों की स्किन रहती है उसको भी टोन करने का काम करता है। आपकी स्किन को बहुत अच्छे से फर्म, टेक्सचर को बहुत ही अच्छा करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। गाइस, आगे बताया ओटमील जो बताया हुआ है कि नेचुरल मॉइस्चराइजर बैलेंस करती है आपकी स्किन को, योगर्ट जो है मॉइस्चराइजर करता है आपकी स्किन को, लाइटन करता है, इम्परफेक्शन को खत्म करता है आपकी स्किन से और आपकी स्किन को स्मूथ और ब्राइटर बनाता है। तो गाइज, इसका ये जो है 100 ग्राम की है ट्यूब है, ये जो ये 100 ग्राम की ट्यूब है और जो इसका प्राइस है वो 215 का है। तो अगर गाइज आप स्क्रबर यूज करते हैं तो आप लोटस का ट्राई कर सकते हैं। मुझे सही लगा, मैं यूज कर रही हूँ उसको, तो मुझे सही लगा ये प्रोडक्ट और मैं लोटस की और भी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं स्क्रबर को। और हमें स्क्रब करना चाहिए क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग रेगुलर अपाई स्किन में बाहर जाते हैं आते हैं तो डस्ट को हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती रहती है, तो उसे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर आप स्क्रबर यूज करते हैं अपनी स्किन पे तो आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। तो कोई ना कोई स्क्रब जरूर यूज करना चाहिए। तो गाइज, ये मैंने बताया आपको इसके बारे में, तो मुझे ये सही लगा प्रोडक्ट, एज ए स्क्रबर आप यूज कर सकते हैं। लोटस के प्रोडक्ट काफी अच्छे होते हैं, तो मैंने बता दिया आपको इसके बारे में क्या क्या चीजें यूज की गई हैं। और अगर बाकी आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको इसको यूज करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, तो ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। ओके गाइज, बाय बाय।